भाई साहब चटाई चाहिए क्या? धर्म भाई आप? अरे ब्रिजेश तू कैसा है तू? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये अंजू है जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शादी कब करी तूने? अभी पिछले महीने की है। तो तू बंबई घूमने आया है? हाँ कल ही आए हैं। अच्छा, गांव में सब ठीक है? हाँ सब आपको याद करते हैं। आप तो नौकरी करते थे ना यहाँ पर कहीं पर? हाँ वो नौकरी तो करता था, मगर वो बहन सेठ जो था ना मेरा, बहुत चिकड़ चिकड़ करता था, मैंने छोड़ दी उसकी नौकरी। अब ये नया काम शुरू किया। लेकिन सुन, मेरे घर पे सबको लगता है कि मैं नौकरी करता हूँ, तो यार गांव में किसी को बताना मत। हाँ धर्म भाई, किसी को नहीं बताएंगे। वैसे ये काम बुरा नहीं है, नौकरी से ज़्यादा ही पैसे मिल जाते हैं। अब एक चटाई में 20 रुपये भाड़े पर देता हूँ, लोग ज़्यादा ज़्यादा 1-1.5 घंटा बैठते हैं, तो एक चटाई से मुझे दिन में 100 रुपये मिल जाते हैं। मेरे पे 8 चटाइयाँ हैं, 8 चटाई के हो गए 800 रुपये। अब तो महीने के जोड़ ले। 24,000 महीने का? हाँ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इतने चटाई वाले हैं, फिर भी सबका काम अच्छे से चल रहा है। अब ये बम्बई शहर है, यहाँ पे हजारों लोग आते हैं, और गिरगांव चौपाटी पे तो ज़रूर आते हैं, फेमस जगह है ना ये। और ये काम शुरू करने के लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, बस चटाई खरीदनी पड़ती है और 2-4 दिन में उसकी कीमत भी निकल जाती है। फिर तो बस मेहनत करो और कमाई कमाई है। सही बात है। और मेहनत भी क्या है, लोग अच्छे खासे कपड़े पहन के आते हैं तो चटाई लेकर के ही बैठेंगे ना, ज़्यादा मनाना भी नहीं पड़ता। काम तो बढ़िया है आपका, मतलब खुद का ही बिजनेस हो गया। हाँ मगर पिताजी को पसंद नहीं आएगा, इसलिए तो गांव में किसी को बताना हो। नहीं नहीं धर्म भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे। धर्म भाई वो हम बम्बई घूमने नहीं आए, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? वो दरअसल हमने भागकर शादी कर ली ना। बड़ा बदमाश निकला है यार तू। तो आप भी किसी को मत बताना हम यहाँ हैं। नहीं 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 नहीं, हम भी किसी को नहीं बताएंगे। एक मिनट, मैं वो पैसे लेके आता हूँ। मैडम चटाई सेटिंग? नो थैंक्स। चटाई, चटाई सेटिंग? मैडम चटाई? नो थैंक यू। चटाई वाला